man bought an app and sold it at a gain of 10%. If he had bought the article at 20% less and sold it for Rs 1000 more, he would have made a profit of 40%. The earlier selling price of the article is. देखो यहां पे अगर ये वैल्यू परसेंटेज के टर्म्स में गिवन होता ना 1000 वाला, तो आप इजीली सॉल्व कर लेते, बहुत जल्दी सॉल्व कर लेते। लेकिन सिंस ये क्वांटिटेटिव वैल्यू गिवन है, तो आपको एक वेरिएबल अज्यूम करना पड़ेगा। तो अज्यूम कर लो कि कॉस्ट प्राइस कितना था, एक्स था। तो फर्स्ट केस में सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा बच्चों, 10% का प्रॉफिट था, तो ये 1.1x हो जाएगा। ये क्लियर है? नाउ सेकंड केस में क्या कह रहा है कि इफ ही हैड बॉट द आर्टिकल एट 20% लेस, तो यहां इस प्राइस से 20% लेस करोगे तो वो कितना हो जाएगा, सिंपली हो जाएगा 0.8x। ये क्लियर है? एंड सोल्ड इट फॉर आर एस 1000 मोर, तो अब जो सेलिंग प्राइस होगा सेकंड केस में वो कितना हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा 1.1x। ये पुराना सेलिंग प्राइस था और इसमें आप ऐड कर दोगे 1000। ये क्लियर है? अब जाकर जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है बच्चों, वो हो रहा है 40% का प्रॉफिट है। तो 40% के प्रॉफिट को आप क्या लिख सकते हो रेशियो टर्म्स में, ये सिंपली 2/5 है। ये क्लियर है? अब देखो यहां पे आपको कॉस्ट प्राइस पता है, यहां पे सेलिंग प्राइस पता है, तो प्रॉफिट कैसे निकालते हो आपको, सिंपली एसपी माइनस सीपी करते हो आप, तो आप प्रॉफिट निकाल लो यहां पे सेम प्रोसेस में। तो आप क्या लिखोगे, 1.1x प्लस 1000 माइनस आप क्या लिखोगे 0.8x। ये जो प्रॉफिट आएगा वो किस पे आता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट निकालते हैं, तो हम डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे बच्चों 0.8x, और यही किसके इक्वल है, वो इक्वल है 2/5 के। ये क्लियर है रेशियो टर्म्स में? तो यहां से आपको वैल्यू मिल जाएगा 1.1x माइनस 0.8, तो ये आ जाएगा 0.3x प्लस मिल जाएगा आपको 1000 डिवाइडेड बाय 0.8x इज इक्वल टू क्या है 2/5। इसको मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो आप क्या लिख सकते हो, यह आएगा 1.5x प्लस 5000 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, यहां से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, ये हो जाएगा 1.66। तो आप इसको आप राइट हैंड साइड में ले लो, तो आपको मिल जाएगा 5000 इज इक्वल टू मिल जाएगा 0.1x। तो यहां से x का वैल्यू कितना लिखोगे, वो लिखोगे 5000 एंड डिवाइडेड बाई 0.1। 0.1 किसके इक्वल होता है, 1/10 के, तो सिंपली x का वैल्यू आपको मिल जाएगा 50000। नाउ आपसे पूछ क्या रहा था, आपसे पूछा था द अर्लियर सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो पुराना सेलिंग प्राइस कितना था फर्स्ट केस में, वो था 1.1x। तो सिंपली आप क्या लिखोगे, जो पुराना सेलिंग प्राइस होगा वो हो जाएगा 1.1 इंटू यहां से x का वैल्यू 50000 रख दो आप, तो ये वैल्यू आएगा 55000। सो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।